तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप कार्स डॉकयार्ड देख रहे हैं और मेरा नाम सैयद शहाब शाह है। गुजरी हुई ईद मुबारक और ईद के बाद पहली वीडियो है, तो अभी फ़िलहाल वर्कशॉप हमने ऑपरेशनल नहीं की। इंशाल्लाह सैटरडे से करेंगे काम स्टार्ट। तो मैंने सोचा चले, एक तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ गाड़ियां फोर सेल बताई थी, जिनमें से मैंने आपको दो दिखा दी थी, एक अल्टो VXR थी ऑटोमेटिक और एक और जो इंडस करोला थी वो भी मैंने आपको दिखा दी थी। तीसरी जो थी होंडा सिविक, तो वो घर पे खड़ी थी तो मैं वो नहीं दिखा सका। आज मैं आपको वो दिखा देता हूँ। इसके अलावा एक और जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया था मुल्तान से, तो वो हमने ईद से पहले ही गाड़ी का जो इंजन था वो हमने डाल दिया था, उसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह ले ली थी, तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं की थी। कुछ थोड़ा बहुत मसरूफियत थी, इस वजह से मैं इसकी वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने सोचा चलें आज की वीडियो जो है ना, इन दोनों गाड़ियों पे, गाड़ियाँ इधर ही हैं तो आप लोगों को दिखा भी देते, और जो सिविक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ दोनों गाड़ियाँ। और अच्छा जी, तो आप देख रहे होंगे ये अल्टो VXR है जो कि हमारे पास मुल्तान से आई थी। टोटल प्रोजेक्ट था, डेंट पेंट का भी सारा और इंजन का था, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें, पावर विंडोज़ और पावर स्टीयरिंग, अभी वो नहीं हुई, इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और गाड़ी को हमने बाहर से पेंट करना है, ठीक है। तो इसके अलावा पहले मैं आपको सिविक दिखा देता हूँ। सिविक रेडी हो गई थी कंप्लीट, फ़िलहाल गंदी है, कुछ बारिशें और कुछ और चीज़ें। तो इसका हमने टोटल जितना भी सस्पेंशन का काम था, इंजन के रिलेटेड जो जो चीज़ें थी, फाउंडेशन सारा कुछ, इंजन सही से प्लेस नहीं था। इसमें D17 का इंजन है जो 2005 से 6 मॉडल सिविक में आया हुआ है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है। तो बाकी इसके अलावा जो दूसरे चैनल पे मैंने इसकी कंप्लीट व्लॉगिंग की हुई है, जो जो चीज़ें हमने इसमें की हैं, तो वो सारी चीज़ें की हुई हैं। तो ये भी ये है कि फोर सेल है गाड़ी। कोई आप में से भाई जो है वो अगर लेना चाहते हैं तो वो परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो अल्टो है, इसमें हमने इंजन प्लेस कर दिया था, ठीक है, वो आपको दिखा देता हूँ। ये मीटर आप देख रहे होंगे, ये लगा हुआ है इसमें ऑटोमेटिक का, ठीक है। और बाकी है कि इसमें भी फ़िलहाल हमने पावर स्टीयरिंग और पावर विंडोज़ करना है। अच्छा जी, तो आप देख रहे होंगे इस वक्त इंजन हमने इस पर प्लेस किया हुआ है। बाकी हमने इसमें जो इसकी टेस्ट ड्राइव थी वो ले ली थी, बिल्कुल मैं सेटिस्फाइड था इस पर, और लाकर फिर इसको हमने घर खड़ी कर दी थी। तो ये जी इस वक्त कंडीशन है गाड़ी की, इंजन प्लेस हो चुका है। इसमें फर्दर जो हमने करना है, इसमें हमने पेंट का काम करना है, पेंट का काम रह गया, देन पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज़ ये रहती हैं, ठीक है। सस्पेंशन का देख लेते हैं, गाड़ी थोड़ी सी चलेगी तो अंदाज़ा हो जाएगा हमें कि क्या कुछ इसमें करने वाला है, ठीक है। सिविक आप देख रहे होंगे, ये इसकी लुक कुछ बन गई है, ठीक है। तो ये जी सूरत हाल है सारी गाड़ी की। ये एक्सीडेंटल नहीं है, और शावर्ड है कुछ छोटी मोटी, नीचे नीचे इसको पेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जी सारा कुछ इस वक्त फ़िलहाल जो चल रहा है, तो वो ये है। ईद से पहले पहले हमने इसमें इंजन प्लेस कर दिया था, सारा कुछ कर दिया था। जो अल्टो दूसरी VXR फोर सेल है, तो वो भी ऑटोमेटिक इंजन होगा, उसमें पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सस्पेंशन का काम, बॉडी का काम जितना भी होगा वो हो चुका होगा, और आपको बिल्कुल रेडी टू ड्राइव गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर अल्टो VXR आप में से कोई भाई जो जो इंटरेस्टेड हैं, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको बनी बनी गाड़ी
बिल्कुल मिल जाएगी। काम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं सैटरडे से, और आपको बाकी भी जितने प्रोजेक्ट्स होंगे, अभी मैं कोशिश ये करूँगा कि डेली बेसिस पर कोई ना कोई वीडियो मैं अपलोड करता रहूँ किसी ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में। तो चलें, आप लोगों को भी एक तो फ़ायदा होगा, देखने वालों को भी, और डेली बेसिस पर आप लोगों को अपडेट मिलेगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इंशाल्लाह और भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो आए हुए हैं, एक हमारे पास क्वेटा से प्रोजेक्ट आया हुआ है, आल्टो VXR का ही है, उसके बारे में अभी इस वक्त मैंने कोई जिक्र नहीं किया। इसके अलावा एक 88 करोला हमारे पास आई हुई है, वो भी तकरीबन आप कह लें कुछ सेमी प्रोजेक्ट है, डेंटिक पेंटिंग का भी है और इंजन कन्वर्जन का भी है। तो वो एक हमारे पास आया हुआ है जिसके बारे में मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली, तो इंशाल्लाह उस पर भी डालते हैं। और जो दूसरी आल्टो VXR जिसके बारे में अभी मैंने बात भी की है कि वो फोर सेल है, तो वो भी उसमें कुछ आप कह लेंगे कुछ छोटा मोटे काम बाकी हैं इंशाल्लाह, तो वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वो भी फाइनल लुक उसकी बनेगी, कुछ डेकोरेशन वगैरह, कुछ इंटीरियर का काम, कुछ इस तरीके से चीज़ें जैसे ही होंगी तो वो भी आप लोगों के सामने आ जाएंगी। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तबीयत भी कुछ डाउन सी है, तो इस वजह से दुआ कीजिएगा आप मेरे लिए भी, मेरी सेहत के लिए भी। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।